अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपना रख रहे होंगे, बहुत सारा ख्याल मुझे रख रहे होंगे दुआ में याद। तो मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बैंगन की भुजिया बनाने का तरीका। बैंगन को किस तरह से पकाते हैं हांडी में, जो है वो कुछ लोग जो आलू बैंगन शोरबे वाले बनाते हैं, कुछ किस तरह बनाते हैं, लेकिन कुछ बैंगन को जला के बनाते हैं। लेकिन ये जो तरीका है बहुत ही आसान है, प्योर देसी स्टाइल से मैं आपको बनाना जो है वो सिखा रही हूँ, ठीक है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। यहाँ पर ले लिए मैंने 1 किलो बैंगन और उनको मैंने जो ऐसे काट के इसके अंदर जो है ना सारे बैंगन के अंदर कट दे लिए हैं, ठीक है ना। और फिर मैंने इनको भिगो दिया पानी के अंदर ताकि ये काली ना हो। अब हम कुंडी लेंगे, उसके अंदर मसाला बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास पिसा हुआ ही अवेलेबल था, तो ये पिसा हुआ हो तो भी ठीक है, अगर ना पिसा हुआ तो आपने सबसे पहले जो है वो कुंडी में जो पिसा हुआ धनिया नहीं है, साबत है, उसको ले लेना है और उसको जो है वो आपने इस तरीके से अच्छी तरह से मैश करके ग्राइंड कर लेना है, ठीक है, हाथों के साथ। तो ये तो पिसा हुआ था, तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ प्याज जो कि मैंने बारीक कटे हुए लिए थे। यहाँ पर मैंने 3-4 प्याज जो है वो लिए हैं और उनको मैं जो है अच्छी तरह से इसको पीस लूँगी हाथों के साथ, ठीक है। और इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इनको पीस लेना है और इनको जो है वो नमक मिर्चे वगैरह ऐड करके फिर हमने बना लेना है। तो अब हम इन्हें पीसना शुरू करेंगे। मुझे बताया करें कि मेरे तरीके आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। मैं प्योर विलेज स्टाइल से देसी तरीके से खाने बना रही हूँ और बहुत ही आसान तरीके से, ज़्यादा चीज़ें भी ऐड नहीं होती और खाने भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, ठीक है जी गाइस। इस तरह से आपने दादर सा बना लेना है, इनको पीस लेना है, ठीक है ना। तो अब जो इसको हम ऐसे अच्छी तरह से कर लेंगे और फिर इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे नमक मिर्च और हल्दी। ठीक है, जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्का सा जो चम्मच जो है वो लाल मिर्च का, और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच जो है वो नमक, ये भी हम इसके अंदर जो है वो हल्का सा ऐड कर देंगे। मैंने जो है वो ऑयल देसी ऑयल लिया है, अपने खाने में मैं ज़्यादा देसी ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, जो मैंने जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है। ये आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैंने लिया है ये हल्दी का, इनको हम कर देंगे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स, ठीक है जी गाइस। ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम जो बैंगन है पानी से एक एक करके निकालते जाएंगे, निचोड़ते जाएंगे, ये देख लें आपके सामने, और साथ साथ में इनके अंदर जो है वो मसाला जो है भरती जाऊंगी। इस तरीके से आपने जो है इसके अंदर मसाला जो है भरना है इस तरीके से, ठीक है ना। और फिर आपने इसको जो है वो इसके अंदर जो है ऐड कर देना है इस तरह से। इस तरह करके आपने सारे जो है भर लेने और इसके अंदर ऐड कर देने हैं, ठीक है जी गाइस। ये बैंगन जो सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, अब मैं इसके अंदर जो बचा हुआ मसाला था वो भी इसके अंदर जो है वो ऐड कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़े से कटे हुए प्याज भी, आपने इसके अंदर इसके बाद ऐड करने हैं थोड़े से, ये मैंने थोड़े से ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही जो है 2 या 3 टमाटर जो है, टमाटर इसके अंदर ज़्यादा जाएंगे, बड़े टमाटर लिए मैंने 3 और इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिए, ठीक है। ये हरी मिर्च भी मैंने काट ली थी, लेकिन जब ये थोड़ा सा पक जाएंगे उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे, अभी ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा इसको हिला देंगे और फिर इसके बाद इसको कवर करके रख देंगे हल्की आंच पर 15-20 मिनट के लिए, और साथ साथ इसको हिलाते भी जाएंगे, ठीक है। ये देखें गाइस, ये बैंगन और सारे मसाले ने पानी छोड़ दिया है, थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे हल्का सा और फिर इसको कवर करके जो है हम रख देंगे। ऐसे ही आपने मीडियम आंच पर इसको तकरीबन 1 घंटा जो है पकाना है, और जब ये पकने वाले हो जाएं फिर आपने फ्लेम को कर देना है लो, ठीक है। अब हम इसे कर देते हैं कवर और इंतज़ार करते हैं 10 मिनट और। जी गाइस, यहाँ पर मैंने 15 मिनट हो चुके थे, 15 मिनट के बाद मैंने दोबारा चेक किया है। बैंगन बनाने में 1-1.5 घंटा जो लग जाता है, अगर आपने प्योर देसी स्टाइल से बनाने हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो पकते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं, तो इसको 1-1.5 घंटा लग ही जाता है, ठीक है ना। तो आपने आराम आराम से ऐसे इसको हिलाते जाना है, और फिर हम जो है अब इसको फिर कर देते हैं कवर और फिर इसको 10-15 मिनट बाद फिर चेक करेंगे, ओके जी गाइस। 15 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैं इसको चेक करती हूँ कि इसकी क्या सिचुएशन है। बहुत मज़े के लग रहे हैं, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये इसकी ये वाली सिचुएशन हो गई है कि अब हमें इसके अंदर हरी मिर्च जो है वो ऐड कर दें, ठीक है ना।
ये जो मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली थी ये भी मैं इसके अंदर अब ऐड कर देती हूँ। इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से, बस थोड़ी देर ये और लेंगे और उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे। ठीक है, बैंगन जो है हमारे बिल्कुल रेडी होने वाले हैं, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी हैं कसम से। आप भी बिल्कुल प्योर देसी स्टाइल से बनाया करें, खाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ज़्यादातर अपने खानों में देसी ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, यानी कि सरसों के ऑयल का। तो ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, सिर्फ चावलों में और शोरबे के जो सालन है उसके अंदर जो है वो मैं ऑयल दूसरा वाला है कश्मीर का इस्तेमाल करती हूँ, वरना तो ज़्यादा देसी ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। तो देसी ऑयल के अंदर जो ये जो जैसे करेले हो गए, भिंडियाँ हो गई, टिंडे हो गए, ये सब चीज़ें बहुत मज़े की बनती हैं। ठीक है ना, तो अब हम इसको कर देते हैं फिर से कवर और इसका फिर से 15 मिनट इंतज़ार करें। जी गाइस, ये बैंगन हमारे जो है वो रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें करते हैं डिश आउट। जी गाइस, सालन हमारा हो चुका है रेडी और बहुत ही टेस्टी बना है। ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ धनिया और बहुत ही मज़े का लग रहा है। होप सो मेरी वीडियो आपको आज की बहुत पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।